बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे फ्राइडे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द वीक फॉर मुस्लिम्स। काइंडली रिमेंबर ईच ऑफ अस इन योर प्रेयर्स सो दैट वी कैन गेट ओवर द पेंडेमिक सून। सो वी आर एज वी आर फॉरवर्डिंग, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर लुई पास्चर दैट वॉज रिटन बाय मार्गरेट एवरी एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम हर बुक सिक्स ग्रेट साइंटिस्ट। सो we are going to start our chapter. Until 1849 the industry had flourished consistently. 1849 तक यह सनत बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही थी। यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री की बात हो रही है। बट इन 1849 द मॉथ्स वर अटैक्ड बाई डिजीज। लेकिन 1849 में जो कीड़े थे उनके ऊपर किसी बीमारी ने हमला कर दिया। इट वॉज थॉट एट फर्स्ट दैट द एक्स वर एट फॉल्ट। शुरू में सोचा गया कि शायद दंडों में किसी किस्म की कोई कमी वाकया हो गई है। एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड फॉर वन सीज़न। इसलिए दूसरे मुल्कों से अंडे लाए गए एक सीज़न के लिए। दिस क्योर द डिसीज़। इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। बट इट री अपेयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दीज इम्पोर्टेड वॉर्म्स। लेकिन इन दरामदशुदा कीड़ों की अगली ही नस्ल में यह बीमारी दोबारा पैदा हो गई। एंड सो द इनहेबिटेंट्स वर ड्राइवन टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर। इस तरह से बाशिंदों को इस चीज़ के लिए मजबूर हो गए कि वो हर साल नए कीड़े मंगवाएँ। सून हाउ एवर द डिसीज स्प्रेड टू नेबरिंग कंट्रीज। हालांकि उस टाइम तक बीमारी दूसरे मुल्कों में भी फैल चुकी थी। अनटिल जापान वॉज द ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम द डिजीज़। और उस टाइम तक सिर्फ जापान था जहाँ पर इस सनत को अभी तक बीमारी ने नुकसान नहीं पहुँचाया था। दिस रिड्यूस द सिल्क ग्रोअर्स टू डिस्पेयर। इस चीज़ ने रेशम पैदा करने वाले ताजिरों को शदीद मायूस कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर फेस्ड विद रुइन। बहुत सी ख़ानदान ऐसे भी थे जिन्हें बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। एंड थिंग्स वर सो सीरियस दैट इन 1865। और चीज़ें इतनी टेंस हो गई, सिचुएशन इतनी ज़्यादा संजीदा हो गई कि 1865 में गवर्नमेंट एस्क पास्चर टू इन्वेस्टिगेट द डिज़ीज़। हुकूमत ने पास्चर से कहा कि वो इस बीमारी के बारे में तहकीकात करे। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज। शुरू में उसने इसको मना कर दिया। On the ground that he was a chemist and not a naturalist। ये कहकर कि मैं एक साइंसदान हूँ और मैं कुदरती तौर पर बनाई जाने वाली चीज़ों के बारे में माहिर नहीं हूँ। एंड हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वर्म इन हिज लाइफ। और ये कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आज तक किसी रेशम के कीड़े को हाथ तक नहीं लगाया। बट ही प्लीडेड इग्नोरेंस इन वेन। लेकिन उसकी ये सारी दरख्वास्तें ज़ाया गईं। सो मच द बेटर। ये तो और भी बेहतर होगा, सैड मिस्टर ड्यूमास। मिस्टर ड्यूमास ने कहा, हु बोर द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का मैसेज लाए थे, यू विल ओनली हैव द आइडियाज़ विच कम टू यू फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। इस तरह से तुम सिर्फ उन ख्यालात पर काम करोगे जो तुम्हारे अपने जहन में आ रहे हैं। दिस कपल्ड विद सिंपथी फॉर द पीपल ऑफ द डिवेस्टेटेड रीजन। और इसके साथ साथ उस इलाके के लोगों की हमदर्दी भी साथ ही शामिल हो गई। ओवरकेम हिज रिलेक्टेंस। इस तरह से उसने अपनी उस हिचकिचाहट पर काबू पा लिया। एंड ही सेट आउट फॉर अलाइस। और वो अलाइस की तरफ निकल पड़ा। अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट। एक ऐसा शहर जो कि रेशम की उसमें वाकया था।